हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई थी, मैं बैठी हुई थी सभी लोगों के साथ में ना बात कर रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे आजकल मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना चाचा वगैरह रहते हैं ना, तो मुझे थोड़ी सी ना शर्म आने लगती है चाचा के सामने ब्लॉगिंग करने में, दैट्स वाई। तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपको सारे वीडियोज़ मेरे वॉइस ओवर में ही नज़र आए। तो मैं पी रही थी चाय, सुबह सो के उठती हूँ ना तो भाभी सबसे पहले चाय दी जाती, लो दीदी चाय पी लो। और ये देखिए, ये जो भिंडी आपको दिख रही है ना, एकदम ताज़ी ताज़ी भिंडी है जो कि हमारे खेत में लगी हुई है। और ये देखिए कुकर में उबल रहे हैं आलू। ये आलू की सब्जी बनेगी और उसके साथ मतलब कि पराठा वगैरह बन जाएगा ना, दही वही से खा लेंगे तो नाश्ता हो जाएगा। बाकी ये दोपहर के लिए बन रहा है आई थिंक, मट्ठे के आलू और आलू फ्राई होंगे। तो किचन में आई ना तो मुझे यही काम नज़र आया कि बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन बोतल वगैरह कैम्फर वगैरह सुबह हम लोग धुल के भर लेते हैं, क्योंकि ना इस टाइम पे ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। कोई भी रहता है ना ठंडे पानी की, उसे मतलब चाहिए ही चाहिए होता है। तो हमने ना जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, दो दो लीटर वाली, इसी को भरेंगे क्योंकि इसी में ही हो सकता है गुजारा। छोटी छोटी बोतलें जो होती है ना फ्रिज वाली, उसमें तो नहीं होता है। दो लीटर की बोतल से एटलीस्ट दो तीन लोग तो पानी पी ही लेते हैं। और ना जून की शादी ना, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जून में तो शादी होनी नहीं चाहिए, बाई चांस अगर मुहूर्त ना निकले तो करो मजबूरी में, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है जून की शादी में। अच्छे से ना रेडी हो पाओ ना कुछ, मतलब इतनी गर्मी लग रही है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती मुझे क्या, मतलब सभी लोगों को गर्मी लग रही होगी। तो ना कैम्फर हम लोग धुल लेते हैं, इसी में डाल देंगे बर्फ़, तो कुछ देर तक तो ये कैम्फर ही गुजारा करेगा, बोतलें जल्दी जल्दी भरनी नहीं पड़ेंगी हम लोगों को। और ये देखिए हमारी क्यारी में और क्या क्या लगा हुआ है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर, ये सारी की सारी चीज़ें ना हमारी क्यारी में लगी हुई हैं। तो बस बर्फ़ जो है वो हमने कैम्फर में डाल दी है, अभी ये पानी जो है वो चलने वाला है, मतलब दोपहर तक तो चल ही जाएगा इतना पानी। तो खाने में आज बन रहे हैं मट्ठे के आलू, और ये आलू जो रखे हुए हैं ना इनको किया जाएगा फ्राई। जितना भी दिख रहा है ना आपको, ये चारों तरफ धरारी लगी हुई है। तो मुझे ना पेड़ से सब्जी तोड़ने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो चाचा जा रहे थे, चाचा बोले लाओ डलिया दो मुझे, मैं धरारी तोड़ के दे देता हूँ। वैसे सारी सब्जी दे गए थे, आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या सब्जी है, और भी सब्जियाँ हैं जो कि दिखा दूँगी मैं, अभी तो यहीं पर रह रही हूँ मैं। तो मैंने बोला चलो मैं चलती धरारी तोड़ने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सारे काम करने में। अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है धरारी तोड़ने में, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे कि मैं तेल नहीं लगा के आई हाथों में, क्योंकि धरारी तोड़ने में ना इतनी ज़्यादा खुजली होने लगती है हाथ पैरों में। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने फुल स्लीव्स का सूट पहना हुआ है, वरना ना मेरी हालत ही ख़राब हो जाती। तो ये देखिए इतनी धरारी जो है मैंने तोड़ ली है, इतनी धरारी ना मैंने तोड़ ली है। अभी ना यहाँ पे और भी बहुत सारी लगी हुई है, पता है हाथ में ना मेरी खुजली होने लगी है, मैं भूल गई सरसों का तेल लगा लेती ना तो शायद खुजली नहीं होती। अब नहीं तोड़ रही मैं, अब जा रही हूँ घर पे। तो मैंने सरसों का तेल लगा लिया, अब जाके खुजली थोड़ी सी ना कम हुई है, इतनी तेज मेरे खुजली को रखी थी हाँ, तो मैं बता नहीं सकती। सभी करने के लिए जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, दही आलू फ्राई और पराठा। लो खाओगी पराठा? खाओगी? खा लो। और यो आप इधर आओ, पराठा खाओगे? यहाँ आओ, ये लो। अच्छा डाइट पे चल रहे हैं, ओरियो की तबीयत नहीं सही इसलिए ओरियो पराठे नहीं खा रहे हैं।
तो नाश्ता जो है वो हो गया था, रोटी वोटी सब कुछ बन चुकी है, सब्जी रोटी आलू फ्राई सारी चीज़ें बन गई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं किचन ही साफ़ कर देती हूँ। भाभी ने बर्तन भी धुल दिए थे, बस किचन ही थी स्लेब वगैरह साफ़ करने के लिए, तो कर देती हूँ। इस टाइम पे ना काम हो ही जाते हैं, शादी के घर में ना सबको मिलजुल के काम करने चाहिए, तभी सारे काम जो है वो टाइम पे ख़त्म हो पाते हैं। और मैंने ना हाथों में ऑयल लगा लिया, उसके बावजूद भी मेरे हाथों में मतलब जहाँ जहाँ मैंने टच किया था ना, मुंह गर्दन मतलब ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी में इतनी तेज़ खुजली सी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। धरारी ना कभी भी तोड़ने जाओ तो सबसे पहले ना हाथों में सरसों का तेल तो ज़रूर ही लगाओ। छत पे आई थी झाड़ू लगाने के लिए, इतनी तेज हवा चल रही है कि मैं बता नहीं सकती, और ना एकदम से हो गई है यहाँ पे बारिश स्टार्ट, इतना प्यारा मौसम हो गया, बड़ी तेज ठंडी ठंडी हवा और बारिश हो रही है। ये ना बेमौसम बरसात हो रही है, अभी इतनी तेज़ धूप निकली थी, अचानक से इतनी तेज मतलब बारिश होने लगी और इतनी तेज़ हवा चलने लगी, लेकिन कुछ भी हो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। आज मेरा बारिश में नहाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था लेकिन नहीं नहाया मैंने, क्योंकि ना चूहे भी हो जाते हैं मैंने सुना बारिश में नहाने से, है ना। गमौरिया वगैरह तो है नहीं जो नहाती मैं, तो नहा के आ चुकी हूँ मैं, जा रही हूँ मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी, बाकी खाने के लिए बुलावा आ रहा है, वही है सुबह वाला मट्ठे के आलू बस एक्स्ट्रा बने हैं, बाकी फ्राई आलू मुझे पता नहीं क्यों फ्राई आलू नहीं अच्छे लगते, इतने गंदे लगते हैं पता नहीं सकती हूँ, तो मट्ठे के आलू रोटी खा के आती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, वीडियो वगैरह एडिटिंग। खाना पीना खा के एकदम फ्री हो चुकी हूँ, और मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, उस दिन मैं लेके आई थी आपको दिखाया नहीं था मैंने, ये देखिए ये ना मैं अपने जूड़े के लिए लेके आई हूँ। और यार पता है जो मेरा लहंगा है ना, अभी तो मैंने आपको अपना लहंगा भी नहीं दिखाया, दिखा दूंगी, तो मेरा लहंगा है ना जो उसकी जो चुन्नी है ना वो बहुत सिंपल सी चुन्नी है, तो मैं सोच रही हूँ डबल चुन्नी ड्रैप कर लेती हूँ, थोड़ा सा रॉयल लुक भी आएगा कुछ यूनिक सा, और मैं जो भी हेयर स्टाइल करूँगी वो दिखेगा, क्योंकि जो चुन्नी है मेरी लहंगे की उसमें कोई भी हेयर स्टाइल दिखने वाला तो है नहीं, और मैं अपने हेयर स्टाइल के लिए ही लेके आ गई, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, जूड़े के साइड में रैप किया जाएगा तो कैसे मुझे नहीं पता, वो पार्लर वाली खुद ही कर देगी अपने हिसाब से। बाकी जो भी मेरी तैयारियां हैं ना वो सारी की सारी हो चुकी हैं, कि मुझे किस तरीके से क्या वेयर करना है, एवरीथिंग इज़ डन, बस शादी का वेट है। परसों से प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएंगे 17 से। क्या हो रहा है बच्चों, डुगू मेरा डुगू क्या खा रहा है, बिस्किट दे दो, खा लेगा, दे दो खा लो। वीडियो की एडिटिंग जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, वीडियो एडिटिंग करते करते ना मुझे दो बार नींद आई, हाँ बेटा हाँ खा लो आप, दो बार मुझे नींद आई, आँख एकदम झपक सी गई मेरी, लेकिन फिर उठी, वीडियो एडिटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। दिखाओ ये मैजिक है, ये कैसा मैजिक है, अच्छा अन्या, ओ अन्या मुझे डांस करके दिखा दो, तो नानी ये सबके सामने कैसे डांस करोगे, कर दो एक बार कर दो, अच्छा एक बार कर दो। आजकल मैं डांस करती हूँ ना, तो आन्या मुझे डांस करते करते देखती रहती है, तो वो भी कुछ स्टेप्स जो है वो सीख गई है, और इसे डांस करने के लिए बोलो ना तो बिल्कुल भी शर्माती नहीं है, मतलब जहाँ पे बोल दो कि बेटा डांस करके दिखाना तो तुरंत डांस करना स्टार्ट कर देती है। हमारी आन्या कितना सुंदर डांस करती है, ये इसने कल पूरे दिन डांस किया और फिर शाम को इतना रोई नज़र लग गई इसको, भाभी ने इसके ऊपर न्योछावर भी की, मतलब मुझे मैं डांस वगैरह सीख रही हूँ ना लवली की शादी के लिए, मेरे रिहर्सल्स चल रहे हैं तो मुझे देखती रहती है, तो वही थोड़ा बहुत स्टेप इसने मेरे से कॉपी किया है, तो कितना अच्छा कर रही थी ना हाथों को किस तरीके से मटका रही थी, मुझे बड़ी क्यूट लगती, मुझे नहीं सबको ही घर में बड़ा अच्छा लगता है इसका डांस। तो अभी हो रही है शाम की खाने की तैयारी, और आज बनने के लिए जा रहा है घर पे कटहल, तो कटहल जो है वो सब्जी काट दी थी मम्मी और चाची ने मिलके, तो भाभी जो है इसको धुल रही हैं और भाभी बनाएंगी कटहल की सब्जी।
तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, सारे जो भी बेसिक मसाले हैं वो डाल दिए हैं और बस इसमें अभी तड़का लगाते हैं मसालों का, मतलब कि मसाले भूनते हैं तेल में। और कटहल की सब्ज़ी ना मेरे चाचा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो तो उन्हें तो डेली भी दे दो ना तो वो खा लेंगे, उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद है। और मेरी बहन को भी बहुत अच्छी लगती है कटहल की सब्ज़ी। तो सब्जी जो है वो हमने छौंक दी है और आज ना थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाई जाएगी। हमारे यहाँ ना बन जाती है ग्रेवी वाली सब्जी, भी सबको अच्छी लगती है। और ये सब्जी धुल के रखी हुई थी, शिमला मिर्च टमाटर तो सूख चुकी है, इसको डाल देती हूँ मैं फ्रिज में। तो कटहल की सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके, अभी रोटियां रोटियां और बनेंगी, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। खा पी के ना फ्री हो गई हूँ, मैं सो गई थी पता है, अभी उठी हूँ, मैंने कहा वीडियो तो एंड की नहीं, मैंने खाना खा पी के सो गई थी। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। सकल देखो मेरी कैसी लग रही है।